लॉ कैसे पढ़ना है तो मैंने सर से ही सीखा है, क्योंकि कॉलेज में तो यही अप्रोच रहता है कि एग्जाम निकालना है, एग्जाम हो गया ठीक है, सीखा नहीं सीखा उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट लॉ कैसे पढ़ना है मैंने सर से सीखा, कैसे आप प्रोविजंस को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट एविडेंस को सीपीसी से सीआरपीसी से कैसे कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि फ्रॉम व्हाट प्रोविजंस डू यू थिंक अ जज इज नॉट ओनली एन ऑब्जर्वर, तो तुरंत मैंने बोला 280 जिसमें डिमीनर रिकॉर्ड करते हैं, सर हमेशा 165 एविडेंस को 311 सीआरपीसी से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। मैंने जैसे ही बोला वो काफी इंप्रेस हो गए। तो आपको क्या करना है, कैसे वो सर हैं, मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगी जब मैं यहाँ बैठा करती थी और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। इस जर्नी में जो भी मैंने सीखा है, जो आपको एज अ स्टूडेंट जानना जरूरी है, यहाँ के मॉक्स जरूर दीजिएगा। मतलब हरियाणा में तो चलो ठीक है थोड़ा थ्योरेटिकल, बट दिल्ली में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो जो नहीं 2-2 पेजेस की आती है एग्जैक्टली एज इट इज, मतलब 2-2 क्वेश्चन ऐसे थे कि एज इट इज आ गए। तो फिर वो सब देख के लगता है कि सर इतना मेहनत करते हैं और हम लोग क्या है कि फॉलो नहीं करते। हमें क्या होता है किसी का हो गया एक बुक बता दो, एक ये कर दो, एक कहां से पढ़े, सर ने तुमको दे तो दिया है मटेरियल, तुम एटलीस्ट उसको तो फिनिश कर लो कि उससे तुम्हारा कितना बेस क्लियर हो जाएगा। तो वही मटेरियल से भी है कि भाई तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो तुम पढ़ते रहना किताबें, एटलीस्ट मटेरियल। अब एंटी सूट इंजंक्शन है वो कहां से मैं जानती, कोई नहीं बताने वाला है क्या होता है, बट वो अपने मटेरियल में सर ने दे रखा है। तो पहले आप उसको करिए, सर और इंस्टीट्यूशन आपको जो भी देता है प्लीज आप उसका 100% बेनिफिट ले सकते हैं, बट आप उस पर ट्रस्ट करिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए। और सर कहते हैं नोट्स बनाओ ये करो प्लीज, ये सारी बातें मानना, क्योंकि मैं नहीं करती थी और मेरे को एग्जाम टाइम में ये फील हुआ कि शिट सर ने कहा था कर लेना चाहिए था, तो प्लीज सर की बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, आपका हो जाएगा। थैंक यू।